गाइज, जैसे आज अपने इंडिया सर्वर में M1014 का बहुत ही ज़्यादा रेयर इंक्यूबेटर रिटर्न आया ना, तो सेम यार ऐसे अपने किमर बंडल का सबसे ज़्यादा रेयर इंक्यूबेटर रिटर्न आने के लिए कंफर्म हो चुका है। यार मैं तो बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। और गाइज, बहुत बंदे मुझसे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर करके पूछ भी रहे थे कि भाई अपना किमर बंडल का इंक्यूबेटर किस डेट को रिटर्न आने वाला है, उसकी 100% कन्फर्म रिटर्न डेट बता दो। तो गाइज, आज की इस वीडियो में आपको किमर बंडल इंक्यूबेटर के 100% कन्फर्म रिटर्न डेट बताने वाला हूँ। एंड साथ में बात करेंगे फ्री फायर में आने वाली न्यू ईवो गन स्किन के बारे में, नेक्स्ट टॉप इवेंट के बारे में, टू नाइट अपडेट के बारे में, एंड कुछ नए तगड़े तगड़े इवेंट्स निकल के आ रहे हैं जो कि गाइस बहुत ही जल्द अपने इंडिया सर्वर में आपको देखने को मिलेंगे। मतलब काफी तगड़े तगड़े अपडेट्स निकल के आ रहे हैं, तो उन सब के बारे में आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। तो भाई पहले कह रहा हूं, वीडियो तगड़ी है, वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए हो, पहली बार हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी तरीके के कंफर्म लीक्स एंड अपडेट्स मैं आपके लिए रोजाना लाता रहता हूं, और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर लेना। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं इस वीडियो। तो चलिए गाइस सबसे पहले बात कर लेते हैं अपने टू नाइट अपडेट के बारे में, मतलब कल आपको फ्री फायर मैक्स में क्या नया अपडेट या क्या नया इवेंट देखने को मिलेगा। गाइस कल है 6 जून, और कल 6 जून को अपना नया टॉप अप इवेंट आने वाला है। फिलहाल जो टॉप अप इवेंट चल रहा है डेमोनिक ग्रीन टॉप अप इवेंट फर्स्ट, वो आज एक्सपायर हो जाएगा। कल अपना डेमोनिक ग्रीन टॉप अप इवेंट सेकंड टॉप अप इवेंट आने वाला है, जिसमें गाइस आपको 100 या 300 डायमंड टॉप करने पे एक लूट बॉक्स की स्किन मिलेगी जो कि देखने में बढ़िया लग रही है, एंड 500 डायमंड टॉप करने पे आपको एक गिलवॉल की स्किन मिलेगी। अब यहाँ पे जो है लूट बॉक्स की स्किन है भाई, इसके साथ थोड़ा झमेला हो सकता है, ये आपको 100 डायमंड में भी दी जा सकती है या 300 डायमंड में भी दी जा सकती है, लेकिन जो गिलवॉल की स्किन है वो भाई 500 डायमंड के टॉप अप में आपको मिलेगी। ठीक है, अब गाइस यहाँ पे इसी टॉप अप एंड के लिए बहुत बंदों ने टॉप अप कम किया है, क्योंकि गिलवॉल की स्किन मिल रही है ना भाई 500 डायमंड पे, और जॉम्बी समरे बंडल भी रिटर्न में आया हुआ है, तो ज्यादातर बंदों ने भाई कम टॉप अप किया है। इसी वजह से कल को जो नया टॉप अप इवेंट आएगा उस टाइम देखना कितने ज्यादा टॉप अप होते हैं फ्री फायर में। बाकी आप बता रहे कमेंट बॉक्स में मुझे, आपने ईवो फेमस को निकाला है या जॉम्बी समुराई बंडल को निकाला है। वैसे जो लेजेंड होंगे भाई दोनों चीज निकाल के बैठे होंगे, क्या ही बोलूं मैं। बाकी अगर आप फ्री फायर में बिल्कुल फ्री में डायमंड लेना चाहते हो, मैंने लिंक दिया हुआ है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लिंक पे क्लिक करो, रजिस्टर करो, फ्री में डायमंड ले लो। ठीक है, तो चले गए इस बढ़ते अपने नेक्स्ट अपडेट की तरफ। नेक्स्ट अपडेट निकल के आ रही है अपने नेक्स्ट मोको स्टोर इवेंट की तरफ से। आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो जो अपना नेक्स्ट मोको स्टोर इवेंट होगा, उसमें गए अपना रैम्पेज का एक मेल का बंडल और एक फीमेल का बंडल दोनों रिटर्न में आने वाले। मतलब जैसे आज M1014 का इंक्यूबेटर आया ना रिटर्न में रैम्पेज थीम पे बेच दिया, तो सेम गाइस अपना 7 जून को मोको स्टोर इवेंट आएगा, जिसमें रैम्पेज के पुराने बंडल रिटर्न में लाए जाएंगे। अब यहाँ पे स्क्रीन पे आप लोग देख लो, एक मेल का बंडल है और एक फीमेल का बंडल है। हो सकता है यहाँ पे कोई और भी बंडल जो है वो रिटर्न में डाले जाए इनके साथ में, लेकिन लीक जो निकल गई है सिर्फ इन दो बंडल्स की निकल गई है हमारे इंडिया सर्वर में, तो बाकी अदर सर्वर में यार सारे रैम्पेज के बंडल रिटर्न में आए। अब देखते हैं क्या होता है 7 जून को अपना नेक्स्ट मोको स्टोर इवेंट में, ये आइटम्स ऐड होने वाले हैं। फीमेल का बंडल आप लोग देख लो और मेल का बंडल आप लोग देख रहे हो। ठीक है, एंड इसी के साथ में अपने नेक्स्ट अपडेट निकल के आ रही है गाइस अपने नेक्स्ट फेरिडविल इवेंट की तरफ से। फिलहाल जो फेरिडविल चल रहा है ईवो फेमस का है, जो कि यार 15-16 दिन बाद एक्सपायर हो जाएगा, उसके बाद में हमें न्यू एंड फ्रेश एनिमेशन का फेरिडविल देखने को मिलेगा गाइस, जिसका नाम है टॉर्नेडो एनिमेशन, और इतना ओपी लेवल यार एनिमेशन है भाई, मजा ही आ गया। देख रहे हो गाइस आप लोग एनिमेशन कितना तगड़ा लग रहा है। ठीक है, और यार इसी एनिमेशन से याद है अपना ड्रैगन स्काइविंग एंड एनिमेशन, यार उसका भी अलग सीन है, वो तो गाइस आपको जुलाई में ही देखने को मिलेगा। बहुत बंदे यार उसके बारे में कभी कभी गेम में पूछ लेते हैं कि भाई अपना ड्रैगन का स्काइविंग और एनिमेशन कब आने वाला है, तो भाई देखो वो ना यार बहुत ज़्यादा रेयर हो चुका है, मतलब हम लोगों ने बना दिया उसको, कह कह कर वीडियो बने बनाकर उसको बना दिया, तो इस वजह से यार फ्री फायर वाले उसके लिए तड़पा रहे हैं। मुझे तो लग रहा है कि जो जून का महीना जैसे खत्म होगा ना, रैम्पेज से जब ये घिरा रहेगा, तो जैसे इससे फ्री होंगे फ्री फायर वाले, तब जाके यार अपना ड्रैगन स्काइविंग एनिमेशन जो है डाला जाएगा फेरिडविल इवेंट में। बट वो आ तो जाता वो भी 33 अपडेट में, बट यार क्या ही बोलूँ, फ्री फायर बैन की वजह से उसके एन लग गए और उसको पोस्टपोन कर दिया गया, तो आएगा तो सही यार वो जुलाई मंथ में आ जाएगा, बट थोड़ा वेट करना पड़ेगा। इतना यार और भी तगड़ी तगड़ी एनिमेशन आने वाली हैं, उनको निकालो अगर निकालना है, वरना यार जो एक्साइटेड है हमारे ड्रैगन एनिमेशन के लिए, वो तो ड्रैगन एनिमेशन ही निकाल के रहेंगे। बाकी बताना आप ड्रैगन एनिमेशन निकालोगे या जो रैम्पेज की एनिमेशन है उनको निकालने वाले हो। तो ये जो अपना टॉर्नेडो वाला एनिमेशन है गाइस आपको नेक्स्ट फेरिडविल में देखने को मिलेगा, मतलब 15-16 दिन बाद, या हो सकता है इसके लिए अलग से स्पेशल फेरिडविल इवेंट चले। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, बट आएगा फेरिडविल इवेंट में बहुत ही जल्द, जैसे रैम्पेज इवेंट स्टार्ट होगा। ठीक है गाइस, तो चलिए गाइस बात कर लेते हैं फ्री फायर में आने वाले न्यू इवेंट के बारे में, जो कि बहुत ही जल्द अपने इंडिया सर्वर में आने वाला है। बट गाइस उसके आने से पहले ही बंदों ने उसके एल लगा दिए हैं, उसका प्री एक्सेस लेके वहां से आइटम्स निकाले जा रहे हैं, जैसे सेम रेड एंड ब्लैक पेंट इवेंट की तरह हुआ था, तो मतलब सेम वैसा ही हो चुका है। और हो सकता है उसका नाम आपको याद आ गया हो, नहीं आया तो कोई बात नहीं, मैं आपको बता दूंगा, जिसका नाम है 2 Birds 1 Stone, और इसका क्लिच निकाल के बंदों ने इसमें से आइटम्स निकाल लें, और इसके ऊपर वीडियो मैंने बनाया भी था, अपने सेकंड चैनल पे डाला था, शायद मेन चैनल पे ही था। ठीक है, तो मतलब बहुत अच्छी तरीके से इस इवेंट के एल लगाएं, और मुझे तो लग रहा है कि अब ये इवेंट जो है अपने इंडिया सर्वर में नहीं आएगा, जैसे रेड एंड ब्लैक पेंट का नहीं आया अभी तक। ठीक है, हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर मतलब इसमें आइटम जो है ना अच्छे अच्छे नहीं है, तो ज़्यादातर बंदों ने इस ग्लिच को लगाया नहीं, इसका प्री एक्सेस नहीं लिया, क्यों? क्योंकि जो आइटम्स वो निकालने वो तो उनकी आईडी से छीन लिए जाएंगे, तो सभी को पता ही, जैसे रेड एंड ब्लैक पेंट के साथ हुआ था,
रेड वाली पेंट छीन ली गई थी और डायमंड वापस कर दिए गए थे, सेम वैसे होगा। आई थिंक अभी फ्री फायर वालों को पता नहीं लगा है, अगर पता लग गया होगा तो इवेंट बंद कर दिया होगा। लेकिन ये वन बर्ड्स शायद टू बर्ड्स वन स्टोन वाला जो इवेंट है ना गाइस अपने इंडिया सर्वर में बहुत ही जल्द आने वाला था। अब यार क्या ही बोलूँ मैं, ठीक है यार इंडिया वाले ना बहुत ही ज़्यादा तेजस्वी है, सो वन लाइक फॉर इंडियंस। एंड लेट्स गाइस अब बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट ईवी गन स्किन के बारे में। गाइस देखो आप सभी को पता है जब फ्री फायर बैन हुआ था तो फ्री फायर बैन के टाइम पर अपने इंडिया सर्वर में ईवी फेमस आने वाली थी, बट फ्री फायर बैन की वजह से वो नहीं आ पाई, उसको पोस्टपोन कर दिया गया। लेकिन अब जैसे सब कुछ नॉर्मल हो चुका है, फ्री फायर मैक्स पे कंटिन्यू कर दिया गया है, तो ईवी फेमस फिर से डाली गई है, ठीक है। मतलब एक तरीके से नए सिरे से स्टार्टिंग हो चुकी है ईवी फेमस से। और जब ईवी फेमस चल रही थी, मतलब बाकी ज्यादा सर्वर में ईवी फेमस आ गई थी, उसके बाद में ईवो MP5 आई थी जो कि हमारे इंडिया सर्वर में तो बिल्कुल भी मतलब उसके दर्शन भी नहीं हुए थे, समझ रहे हो गाइस। तो इस बार गाइस अपने ईवो फेमस के बाद में हमें अपने इंडिया सर्वर में ईवो MP5 देखने को मिलेगी, जो कि गाइस जुलाई मंथ में आ सकती है, जुलाई के स्टार्टिंग में। जैसे ईवो फेमस जून के स्टार्टिंग में आई है, तो सेम ऐसे ईवो MP5 अपने जुलाई के स्टार्टिंग में आ जाएगी और सेम सीन होने वाला है, आपके नए नए टॉप इवेंट्स आएंगे। एंड गाइज यहाँ पे मतलब सारे रिवॉर्ड जो है निकल के आ चुके हैं, नए गिलवॉल के स्किन, पैरासूट वगैरह, इसके इमोट वगैरह सब कुछ निकल के आ चुके हैं, मैं आप लोगों को स्क्रीन पे दिखा दूंगा। तो सेम यार ईवी फेमस की तरह ही होगा, जुलाई के फर्स्ट वीक से ही आपको ईवी MP5 के फेरेड व्हील टॉप इवेंट वगैरह देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए गाइस अब बात कर लेते हैं अपने मेन टॉपिक क्रिमिनल बंडर रिटर्न की कंफर्म डेट के बारे में, जिसके बारे में जानने के लिए अब बहुत ही ज़्यादा बेसब्री से इंतजार कर रहे हो, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो मेरी तरह। तो गाइस देखो सीन कुछ ऐसा है, जैसे अपनी ईवी फेमस आई है ना जून के फर्स्ट वीक में, तो जुलाई के फर्स्ट वीक में अपनी ईवी MP5 आ जाएगी। अब जैसे ईवी फेमस आई है उसके बाद में अपना जॉम्बी समुराई बंडल भी रिटर्न आया है, तो गाइस जैसे जुलाई में ईवी MP5 आ जाएगी तो उसी के एक या दो हफ्ते बाद में गाइज आपको क्रिमिनल बंडल का इंक्यूबेटर भी रिटर्न में देखने को मिल जाएगा। अगर इंक्यूबेटर नहीं आता है तो हो सकता है क्रिमिनल जो बंडल्स हैं उनमें से कोई एक बंडल आपको किसी वेब इवेंट में देखने को मिले, ठीक है। इंक्यूबेटर भी आ सकता है या इन चारों पांचों जो क्रिमिनल बंडल हैं इनमें से आपको कोई एक बंडल किसी भी वेब इवेंट टाइप में देखने को मिल जाएगा। अब यार देखो क्रिमिनल बंडल रिटर्न को लेकर ना बहुत छोटी छोटी अपडेट निकल कर आ रही हैं, जिनमें ये तो क्लियर नहीं हो पा रहा है कि भाई इंक्यूबेटर रिटर्न आएगा या वेब इवेंट में क्रिमिनल बंडल रिटर्न डाले जाएंगे। बट गाइस इतना कंफर्म हो रहा है कि हाँ क्रिमिनल बंडल रिटर्न आएंगे। और देखो यार जब फ्री फायर बैन हुआ है तो गरेना को बहुत ही बड़ा झटका लगा है, अब उस लॉस को रिकवर करने के लिए वो अपने सबसे ज्यादा रेयर आइटम को तो रिटर्न डालेंगे, अब वो रिटर्न डालेंगे इंक्यूबेटर में थोड़ी डालेंगे, क्योंकि इंक्यूबेटर में तो यार उनके बहुत ही मतलब कम खर्चा होगा ना बंदों का निकालने में, कम से कम 3 से 4 हज़ार डायमंड। लेकिन अगर वो उन्हीं बंडल्स को अलग अलग करके वेब इवेंट में डाले जहां कम से कम 3-3, 4-4 हज़ार डायमंड भी खर्च हो जाते हैं लोगों के, उस इवेंट में डालेंगे तो बढ़िया रहेगा ना। तो इसी चीज़ को अगर देखते हुए गरेना वाले नई स्ट्रेटेजी लगा सकते हैं, वेब इवेंट्स में आपको अलग अलग करके क्रिमिनल बंडल को रिटर्न में डाल सकते हैं, कभी येलो डाल दिया, कभी पर्पल डाल दिया, कभी ब्लू डाल दिया और फिर बाद में रेड डाला, तो ऐसा कुछ सीन हो सकता है। जैसे कि और यहाँ पर नई कन्फर्म लीक निकल के आते हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, तो बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर लेना। एंड उम्मीद करूंगा आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी और आप इस वीडियो से सेटिस्फाइड भी हो चुके होंगे, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दें एंड शेयर कर देना अपनी सभी फ्रेंड सर्कल में। तो चलिए गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय।